क्योंकि ये सरकारें घूम घूम करके प्रचार आप लोगों के पास कर रही है, सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ। हमन पढ़ रहा है सोचा था हिंदू है सब एक हो जाओ। अरे एक ऐसा हिंदू आ गया बेटा, हम तो आरक्षण चाहते हैं, लेकिन वो जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं कोई हिंदू है तो है, कोई मुसलमान तो नहीं है। जिसने हमारे कमर में झाड़ू और गले में मटका टांगा था वो कोई हिंदू ही तो था ना, कोई मुसलमान तो नहीं था। जिसने हमको पढ़ने से रोका वो कोई हिंदू ही तो था ना, कोई मुसलमान तो नहीं था ना बेटा। जिसने हमारे बेटे वही बेमूला को फांसी में चढ़ने के लिए मजबूर किया कोई हिंदू ही तो था ना, कोई मुसलमान तो नहीं था ना। लेकिन ये सरकारें घूम घूम के प्रचार प्रसार करती है तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, सारे हिंदू एक हो जाओ। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, बहुत अच्छे से बच्चों आप लोगों की, कि बाबा साहब जब लंदन की गोलमेज सम्मेलन में दू वोट के अधिकार बहनी के खातिर लड़ा कराने, उस समय भी मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खान नाम के दो मुसलमान भाइयों ने बाबा साहब को सपोर्ट किया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जब स्कूल खोलने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय उस्मान शेख नाम के एक मुसलमान भाई ने अपनी जमीन दी थी। फातिमा शेख नाम की जो उनकी बहन थी उस्मान शेख की, वो सावित्रीबाई फुले के साथ में पहली शिक्षिका हुई जो औरतों को शिक्षा देने के लिए बाहर निकली। बाबा साहब जब पानी के लिए तालाब सत्याग्रह कर रहे थे, उस सत्याग्रह को करने के लिए भी एक मुसलमान भाई ने ही अपनी जमीन दी थी। माननीय कांचीराम साहब यही देवरिया में जब भूखे प्यासे रह करके संगठन का काम कर रहे थे, आयतुल्लाह खान नाम के एक मुसलमान भाई ने जमीन दी थी, उनको दाल रोटी खिला करके उनको जिंदा रखा। मुसलमान हमारा दुश्मन कभी नहीं है। पढ़े लिखे आप लोग हो तो पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं कि अपने समाज को गुमराह करना। पढ़े लिखे होने का मतलब है अपने समाज को सही रास्ते पर दिखाना, सही रास्ते पर ले जाना। और न मुसलमान हमारा दुश्मन है, न कभी था और न कभी रहेगा। हमारा दुश्मन बहनी भैया वो है जो पढ़े लिखे लोग हो, पढ़ाई का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं। ये सरकारी नौकरी पूरी तरीके से खत्म कर दे रही है, आरक्षण के ऊपर तमाम तरीके की नकेल कस रही है। आप सब लोग इस बात को जान लो कि पढ़ाई का शिक्षित व्यक्ति वो है जो अपने दुश्मन को पहचानता है, और हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं बल्कि वो है जिसने हमारे गले में मटका और कमर में झाड़ू टांगा। हमारा दुश्मन वो है जिसने हमारे बेटे रोहित रमुला को फांसी पर चढ़ने के लिए मजबूर। बहनी हमन के दुश्मन वो है जो हमके बगैर पढ़े के मजबूर कर लेगा। हमन के दुश्मन वो है जो हमके सावा कोदो खाए के मजबूर कर लेगा। हमन के दुश्मन वो है जो हमन के पढ़े से रोके की कोशिश कर। हमन के दुश्मन वो है जो हमारे सहारनपुर में 85 भाइयों का घर जला दिया, वो हमारा दुश्मन है। मुसलमान हमारा दुश्मन कदापि नहीं। तो इसलिए अपने बुद्धि को खोलिए। हमारे समाज में इतनी सारी अत्याचार की घटनाएं हो रही है। सहारनपुर में 85 घर बहनी हमन के जलाए दिया गया, काहे के हमन बाबा साहेब के जयंती पे जुलूस निकाले के तन की कोशिश कर रही और ठाकरों की बस्ती से होके जाता, यही कसूर था हमारा। उसके बदले में औरतों का हाथ पैर काट करके इसे बहा दिया गया। जो आज वहां लगी है ना वो कभी भी आप पे कर सकती। हरियाणा में पूरे भारतवर्ष में जगह जगह हमारी बेटियों के साथ में कितना गलत गलत काम हो रहा है। किस वजह से? सिर्फ इसीलिए कि हम सारे लोग बाबा साहब की कही हुई बात को नहीं मान रहे। हाथ में धागा बांध लेते हैं, गले में धागा बांध लेते हैं। आजकल चोटी कटवा के नया सूखा छोड़ दिया है सरकार ने। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।